जानबूझकर बनाया गया है दोनों सदनों, उसका कोई औचित्य नहीं है। खासतौर से जहाँ तक शिक्षकों की बात है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कह दिया कि जो नया कानून बना है, नया रेगुलेशन बना है, उसके बारे में अगर शिक्षकों की कोई शिकायत है या उनकी कोई आपत्ति है तो अब तो सत्र 3 दिन बचा है। सत्र के बाद उन्होंने जो शिक्षक नेतागण हैं या संगठन के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि सब लोगों के बुला के बात करेंगे और जो उनकी वाजिब मांगे हो इस पर निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी। अब ये समझने की बात है कि जब मुख्यमंत्री जी ने ये बात पहले ही कह दिया है, तब आज इस तरीके से सदन की कार्रवाई बाधित करने का क्या औचित्य है? सबसे बड़ी बात है, ये लोग सरकारी कर्मी का दर्जा देने की बात अभी विधानसभा के अंदर पूरा ढोल पीट पीट के बोल रहे हैं। पहले तो सरकार में बीजेपी में शामिल रही है, उन्हीं के जो बिहार के सबसे बड़े नेता है वो वित्त मंत्री रह चुके हैं, और वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने कहा था कि इन लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा कोई भी सरकार नहीं दे सकती। अब आप समझिए कि इन लोगों के बोलने चालने या क्रियाकलाप में कहां दोहरापन है, इसको देखने की जरूरत है। और जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि वो उनकी जायज मांगों पर विचार करेंगे, संगठनों नेताओं से बात करेंगे, तब आपके माध्यम से हम सभी शिक्षकों से भी सरकार की तरफ से अपील करना चाहते हैं कि वो वापस विद्यालय लौट जाए, जो शिक्षण कार्य है उसको मुस्तैदी से करें, और ये 3 दिन में सत्र समाप्त होगा, फिर उनके लोगों से बैठकर, उनके नेताओं से बैठकर बात होगी और जो भी वाजिब बात होगी उस पर विमर्श किया जाए।